गवर्नर सीपी आदरणीय सरजू राय जी ने भ्रष्ट मंत्री कहा, मैं नहीं आदेश मेरे मुझे बोलने दिया जाए, भ्रष्ट मंत्री कहा है इसको प्रोसीडिंग से निकाला जाए और अब मानना अध्यक्ष महोदय अब मानना का मामला दायर किया जाए। अध्यक्ष महोदय ये भ्रष्ट इनके पास क्या प्रमाण है, ये प्रमाण प्रस्तुत करें कि कहां हमने भ्रष्टाचार किया है। प्रश्न यह है कि यह सभा वर्तमान मंत्री परिषद में विश्वास प्रकट करती है, जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वह हाथ है, जो इसके पक्ष में है वह नाक है। जो इसके विपक्ष में है वह नाक है। यह प्रस्ताव पर बोलिए बोलिए मान्य संसदीय महोदय, इस प्रस्ताव पर मत विभाजन किया जाए। अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव पर निश्चय माननीय सदस्यों को अपने अपने स्थान पर खड़े होकर मत विभाजन के माध्यम से होगा। सचिव मत विभाजन की घंटी बजाए। सचिव घंटी बजाए। गिनती होगा। अरे बंद करो बिल। बत्तीस का खतियान भी भाग गया, भगा दिया आप लोग। जो प्रस्ताव के पक्ष में है वह हाथ है और अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। विधानसभा पदाधिकारीगण, माननीय सदस्यगण आप लोग बैठ जाइए। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वह ना कहे और अपने स्थान पर खड़े हो जाए। पर मतदान का परिणाम इस प्रकार है, प्रस्ताव के पक्ष में 47 मत प्राप्त हुए, प्रस्ताव के विपक्ष 48 मत प्राप्त हुए और प्रस्ताव के विपक्ष में 0 मत प्राप्त हुए।
इस प्रकार यह सभा वर्तमान मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रकट करती है। यह प्रस्ताव पारित हुआ, सभा का कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। राशन को खरीदते सुना आदमी कपड़ा हटा करके एस्पेक्टस लगा ले तो ईडी हाजिर हो जाता है, इसीलिए हाजिर हो जाता है। ये आ जाता है अध्यक्ष महोदय, इसलिए अध्यक्ष महोदय मैं अपना और गला बेवजह इनके सामने अपना खराब नहीं करना चाहता। इनको हम अपने काम और अपने उपलब्धियों के बदौलत इनको कुचलेंगे, इनके मंसूबे का कुचलेंगे और भारतीय जनता पार्टियों के विचारों को भी कुचलेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको जोहार, जय हिंद, जय झारखंड। प्रश्न यह है, माननीय सदस्य अपने आसन पर चले, आसन पर। प्रश्न यह है कि यह सभा वर्तमान मंत्रिपरिषद में विश्वास